महाभारत हुआ है ना। महाभारत में एक एपिसोड है बहुत शानदार जो बहुत कुछ सिखाने के लिए है, और आप साथ लेके जाइए जितने लोग ऊपर बैठे हैं जितने लोग नीचे बैठे हैं। महाभारत में एक एपिसोड हुआ कि उसमें एक मार्मिक टच है, हालांकि तो युद्ध हुआ तो दोनों तरफ से लोग मरे। 18 अक्षौणी सेना थी, 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी का मतलब, अब डिटेल में समझाने का मत बोलना कि एक अक्षौणी में कितने रथ होते हैं, कितने हाथी होते हैं, कितने घुड़सवार होते हैं, अब मत समझिए, मोटा मोटा समझिए। 18 अक्षौणी, 18 में 11 कौरवों के पास थी, 7 पांडवों के पास थी, मतलब पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी और कौरवों की सेना 11 थी, उनकी फालतू थी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग मरे, करीब करीब 1 करोड़ लोग मरे महाभारत के युद्ध में। 1 करोड़ लोग उस जमाने के पॉपुलेशन तब भी थी, हमको रोते रहते हैं 125 करोड़ हो गए, तब भी साला 1 करोड़। सो उसमें एक मार्मिक एपिसोड है। मार्मिक एपिसोड ये है कि अभिमन्यु वध, उसका सबसे मार्मिक एपिसोड कि अभिमन्यु को घेर के मारा गया। वो युवराज, एक युवक लड़का जो धनुर्धर था अपने पिता अर्जुन की तरह, उसको घेर के मारा गया उस प्रॉब्लम, और सबने मिलके मारा, और उसके अंदर कौरव के सब बड़े से बड़े लोग थे, सब बड़े से बड़े लोगों ने अभिमन्यु को घेर के मारा। आपने ये जानकारी सुनी होगी, देखी होगी, कही होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी। लेकिन उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो विलेन बना उसका नाम था जयद्रथ। उसने अभिमन्यु वध तो नहीं किया, लेकिन मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु पे लात मारी, वध में शामिल नहीं था, लेकिन उसने बड़े मरे हुए अभिमन्यु को लात मारी। और इतिहास ये बोलता है कि जब अभिमन्यु वध हो रहा था तो अर्जुन अवेलेबल नहीं थे, वहां पर कहीं और गए थे, किसी और युद्ध में थे। लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाता, लेकिन जो स्टोरी ऑफ मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो समझाना चाहता। जब अर्जुन लौट के आए भगवान कृष्ण के साथ, तो उसको पता चला कि मेरे बेटे अभिमन्यु का वध हो गया, लेकिन उसको दुख इस बात का नहीं था कि मेरे बेटे का वध हुआ। बोला तो रण क्षेत्र में योद्धा तो वीरगति को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन उसको दुख ये हुआ कि मरे हुए को जयद्रथ ने लातों से मारा। उसने अंजलि में पानी लिया और ओथ ली, शाम को पहुंचा था कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वर नहीं कर दूंगा तो अपने आप को जला डालूंगा, अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दूंगा, अगर अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा मैं। अब जैसे ही उसने ये घोषणा करी, एक गोल रखा, एक टारगेट रखा, दोनों सेनाओं में हड़कंप मच गया। कौरव प्रसन्न हुए और पांडव उदास। कौरव इसलिए प्रसन्न हुए कि एक दिन बचाना है बस जयद्रथ को, अगर एक दिन बचा लिया अर्जुन मरा खेल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेन प्लेयर यही, मेन प्लेयर तो वही था ना। और पांडव इसलिए परेशान हुए कि ये क्या कर बैठा, एक दिन न ढूंढ सके तो क्या होगा, अर्जुन गया, अर्जुन गया तो खेल गया। और धर्मयुद्ध था तो शाम को संध्या के बाद जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध नहीं करते थे। अगले दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, युद्ध की भेड़ी बजी और उस भेड़ी के अंदर अर्जुन और कृष्ण घूमने लगे जयद्रथ को। और कौरव भी कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, भगवानों से लड़ रहे थे तो कुछ ना कुछ तो उनमें भी टैलेंट रहा होगा, उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया। उनका एक ही काम था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को छुपा लो। और दिन चढ़ने लगा, सांसें चढ़ने लगी, और जैसे जैसे दिन निकलता रहा कौरव और प्रसन्न होते गए और पांडव और उदास। दोपहर निकल गई, युद्ध एक तरफ चल रहा था और अर्जुन और कृष्ण का रथ एक तरफ दौड़ रहा था जयद्रथ को ढूंढते 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 ढूंढते। और आखिरकार वो समय आया जब सूर्यास्त होने को ही था और जयद्रथ अर्जुन को नहीं मिला। सब थक हार के बैठ गए, अर्जुन ने अपना गांडीव गिरा दिया और पांडवों ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और बोला, प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है, जयद्रथ नहीं है। भगवान ने बोला, कुछ नहीं करता हूं। बोला, जयद्रथ कहां से लाओगे? भगवान ने जयद्रथ तो नहीं लाए, उन्होंने क्या किया, माया रची और बादलों को आदेश दिया, उन्होंने सूरज को ढक दिया। तो उन्होंने बोला, ये क्या करते हो? भगवान कृष्ण का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइए। बोला, माहौल बनाता हूं। क्या बोले? विनिंग एटमॉस्फेयर। बोले, माहौल बनाता हूं। और जैसे ही बादल सूरज के सामने आए, सूरज छुप गया और उन नालायकों को लगा कि सूर्यास्त हो गया।
बेवकूफ अपनी बेवकूफाना बातें बहुत जगह दिखा देते हैं। कहते हैं ना, गधे के सर पे सींग नहीं होते, वो अपनी हरकतों से बताता है कि मैं गधा हूं। जैसे ही सूर्यास्त लगा, जो कि थुआ नहीं था, कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया। मन तो कर रहा है उनको ऐसी गाली दूं स्टेज पर, इस सालों घंटा दो घंटा कौन सी चूर मच रही थी तू। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया, अर्जुन घुटनों के बल बैठा है, गांडीव उसका गिरा हुआ है, और जयद्रथ अर्जुन को देख के हंसने लगा और गालियां देने लगा। कौरव हंसने लगे और अर्जुन को गालियां देने लगे कि तैयारी कर चिता पे जलने की। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान ने आदेश दिया और बादल सूरज के आगे से हटे और सूरज सामने हो गया। और जब सूर्य सामने हो गया तो अर्जुन भौचक्का सा दिखा, ये क्या है। उसने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण ने बोला, देखता क्या है, जयद्रथ सामने है, उठा गांडीव और चला डाल। और अर्जुन ने गांडीव उठाया और तीर चलाया और जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ मारा गया।